तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है Samsung M52 आपका प्यारा दुलारा फोन। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और अभी रिसेंटली हम लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पर, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए मैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि हम हर संडे लाइव आते हैं वहां पर आपसे बात करने के लिए। खैर इस फोन को मैं पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं एंड ट्रस्ट मी मेरे को इसके कोने कोने के बारे में पता है। यहां पर नेटवर्क रिलेटेड बात होने वाली है, काफी सारी चीजों की बात करेंगे। और उससे पहले बता दूं इस वीडियो के अंदर एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ, तो वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे दबाकर इस फोन के बारे में, तो हम सबके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लीव अ लाइक, 10,000 लाइक्स गेम किया, 2,000 कमेंट का, चैनल पर पहली बार आए मित्र तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, लाइक एक हफ्ते मैंने फोन यूज करा, ट्रस्ट मी भाई मैंने सैमसंग से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब भाई जो इन हैंड फील है बहुत ही ज्यादा मस्त है इस फोन की, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है फोन। लाइक ये अनएक्सपेक्टेड चीज है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का कोई भी फोन इतनी अच्छी इन हैंड फील प्रोवाइड नहीं करा था इस प्राइस रेंज के अंदर। इस फोन के अंदर 5000 एमएएच की बैटरी है, उसके बाद भी काफी ज्यादा स्लिम है एंड यहां पर वेट भी कम है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहीं पर इसका एक वर्स्ट पार्ट भी आ जाता है, वो है इसकी बिल्ड। यहां पर जो प्लास्टिक यूज करी है सैमसंग ने भाई, पैसा बचाया इस चीज से। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इसके बाद सैमसंग कुरकुरे खरीदेगा पैसे बचाकर। खैर यहां पर मैं बता दूं, लाइक सैमसंग इस प्राइस रेंज के जो दूसरे फोन देता है A52 की बात कर लेते हैं, वहां पर जो प्लास्टिक है वो इससे ज्यादा अच्छी है। यहां पर एक तो एक ग्लॉसी फिनिश दी गई है जिस पर स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाती है, अगर आप केस भी यूज करते हो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चले गए तो उससे भी स्क्रैच लग जाएंगी। वहीं पर जो A52 वाली प्लास्टिक है वो मैट फिनिश में मिलती है जिस पर स्क्रैच लगती तो है लेकिन काफी टाइम बाद, और वो नोट भी नहीं होती। तो यहां पर मेरे को इस चीज में कमी लगी है इसके बिल्ड में। नेक्स्ट आप में से काफी सारे लोगों ने पूछा भाई क्या इसकी डिस्प्ले में फ्लिकरिंग इशू है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी नए पैनल आ रहे हैं OLED हाई रिफ्रेश रेट वाले कोई भी कंपनी दे रही है उसे, लाइक Realme की बात करूं, Redmi की बात करूं, किसी भी कंपनी की तरफ से, तो हर किसी में वो फ्लिकरिंग इशू मिल रहा है। तो यहां पर भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बताऊं तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा सही है, बेजल्स और चिन काफी कम देखने के लिए मिलते हैं, एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है जब आप इसकी डिस्प्ले में कंटेंट देखते हो, कलर्स काफी अच्छे, डिटेल्स काफी अच्छी देखने के लिए मिलते हैं, व्यूइंग एंगल्स में कोई भी टिंट नहीं है। एंड मैंने OTT प्लेटफॉर्म पर ना दबाकर कंटेंट देखा है, मेरे को इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा सही लगी। इनडोर पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी है एंड काफी लोगों ने मुझसे पूछा भाई इसकी आउटडोर विजिबिलिटी कैसी है। यहां पर मैंने आपको पहले बताया सैमसंग के जो लास्ट ईयर वाले फोन थे उनकी ऑन पेपर पीक ब्राइटनेस भले ही कम होती थी लेकिन वो आउटडोर में जाते ही बहुत अच्छे से ब्राइटनेस बूस्ट कर लेते थे, लेकिन यहां पर अगर आप इसे आउटडोर ले जाओगे हार्श लाइट में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस मैं ब्लो एवरेज बोलने वाला हूं। अब ये फोन 120 हर्ट्ज के साथ आता है एंड 120 हर्ट्ज नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, फ्रेम ड्रॉप भाई नहीं मिले यहां पर, काफी स्मूथ ये रन करता है। यहां पर बस मैं रखना चाहूंगा जो ब्लॉटवेयर मिलता है ना उसे इंस्टॉल कर देना वरना आप परेशान हो जाओगे नोटिफिकेशन से। खैर आप नोटिफिकेशन को बंद भी कर सकते हो। अब यहां पर 120 हर्ट्ज तो काफी स्मूथ है, इवन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम भी डे टू डे लाइफ में बहुत सही लगता है, लेकिन अगर आप हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर गैलरी की बात करें या कैमरा ऐप की बात करें, तो उन्हें ओपन करते हुए आपको थोड़ी बहुत जिटरिंग मिल सकती है, लेकिन उसे मैं ना के बराबर ही बोलूंगा। डे टू डे लाइफ में फोन यूज करने में भाई मेरे को काफी ज्यादा सही लगा एंड डिस्प्ले वाइज बहुत सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि OLED पैनल के बाद भी यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया, तो भाई पैसे बचाने थे सैमसंग को एंड मेरे हिसाब से भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा कंफर्टेबल होता है इन डिस्प्ले से, और ये मेरे को पर्सनली पसंद है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद है या साइड माउंटेड, तो जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अभी यहां पर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हैवी टास्क की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं सीधा सा, अगर आप बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो जो वीडियो रेंडरिंग फास्ट कर सके इस प्राइस रेंज के अंदर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन आता है इसमें से। लाइक यहां पर इसकी वीडियो रेंडरिंग स्पीड बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिली है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके अंदर BGMI वगैरह कैसे चलता है, तो BGMI में आपको जो सेटिंग्स मिली है स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम मिलता है, HDR तक आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हैं। जैसे आपको पता है सैमसंग टारगेट नहीं करता है गेमिंग फोन बनाता है, तो यहां पर अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो नो डाउट आप इसकी तरफ जा सकते हो, अच्छी मेरे को परफॉर्मेंस लगी है मेरे जैसे कैजुअल गेमर के लिए यहां पर ठीक है। फ्रेम ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो मैं कहूंगा भाई 25,000 रुपीस में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, IQ Z5 हो गया, Realme X7 Max हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो नो डाउट इस फोन की तरफ मत जाना, लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, आपको थोड़ी बहुत कम फ्रेम भी चल जाएंगे, तो भाई मैं कहूंगा आप इसकी तरफ जा सकते हो, आपको ठीक परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड करा रहा है। अब मुझसे पूछा गया क्वेश्चन क्या ये फोन हीट होता है, तो नहीं भाई हल्का सा वार्म होता है कैमरा की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले भी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर बताया था। तो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन काफी सही है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो कैजुअल गेमर हो तो ले सकते हो, इवन अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहते हो तो उनके लिए भी एक पावरफुल फोन ही होने वाला है भाई, और डिस्प्ले
है ही कमाल की और इन हैंड फील भी कमाल की है। अब सीधे चलते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तरफ। काफी लोगों ने मुझसे पूछा भाई तेरी यूनिट में क्या इशू है, तो बहुत लोगों ने सेम चीज बताई, उनको भी नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू मिल रहा था। इवन काफी यूट्यूबर्स ने बताया, एक तो मेरे दोस्त भी हैं जिनके बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं, बट मैं बता दूं नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू मुझे मिला है एयरटेल की सिम के साथ। मैंने iQOO Z5 से साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा है, सेम सिम को यूज करके iQOO Z5 में ज्यादा अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी मिली मुझे इसके कंपैरिजन में। इवन मैं अगर Motorola के E40 फोन की बात करूं जो 10,000 रुपए में आता है, उसकी भी एयरटेल की सिम के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी इससे ज्यादा तगड़ी थी। लेकिन दूसरी साइड ये भी है, काफी सारे लोग दिखा रहे हैं भाई उनको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है और इंडोर 4G प्लस मिल रहा है। तो मैं बता देता हूं मेरे को इंडोर 4G प्लस नहीं मिला, मैं आउटडोर इसे ले गया था, मैंने मॉल में इसे यूज करा, वहां पर मुझे 4G प्लस मिला। और वो भी क्यों मिला, क्योंकि वहां पर टावर थे एयरटेल के और 4G प्लस के बाद भी कनेक्ट नहीं हुआ, आप खुद देख सकते हैं। एंड कनेक्ट हुआ तो स्पीड आपको 6 Mbps की मिलेगी लास्ट या 7 Mbps की मिलेगी एयरटेल की सिम के साथ। और जो दूसरे लोग दिखा रहे थे ना कि आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, वो जियो की सिम के साथ दिखा रहे हैं। यहां पर हमने फिर जियो सिम टेस्ट करी एंड जियो के साथ तो भाई इंडोर भी मुझे 4G प्लस मिला एंड स्पीड 90 Mbps के आसपास मिली है, खुद देख सकते हैं। एंड इस चीज को देखकर मैं शॉक हो गया। तो मैं ये चीज तो कह सकता हूं कि एयरटेल की अगर आप सिम यूज कर रहे हो तो इस फोन की तरफ बिल्कुल मत जाना, लेकिन वहीं पर अगर आप जियो की सिम यूज कर रहे हो तो आपको 4G प्लस इंडोर आउटडोर हर जगह मिलने वाला है एंड स्पीड भी काफी तगड़ी मिलेगी। अब यहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू को समझाने के लिए हमारे साथ है टैग जंकी से अतुल भाई, आप उनसे ही सुनिए पहले। तो हां भाई करें शुरू। थैंक यू सो मच पीयूष भाई आपका अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए, इट इज अ ग्रेट जेस्चर। मेरा नाम है अतुल और मेरे चैनल का नाम है टेक जंकीज। अगर मैं बात करूं इस फोन के नेटवर्क इश्यूज की, तो सबसे पहला इशू जो मुझे फेस हुआ वो इसे सेटअप करने के दौरान ही हुआ। शायद मैं और पीयूष भाई हैं जिनके यूनिट में दिक्कतें आई है, तो मेरे तो खैर दोनों ही यूनिट में दिक्कत आई है, एक ये और ये एक्सचेंज वाला है, इससे पहले वाले में भी प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम जब मैंने इसे सेटअप करने के लिए डाला, इसे मैंने 5 GHz वाले राउटर से कनेक्ट किया, दोनों ही फोन्स ने सेटअप करने से मना कर दिया। ये चक्री लगातार घूम रही थी, इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मुझे बाद में वाईफाई ऑफ करके सेटअप लेटर करके फिर इसे ऑन करना पड़ा। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा रेगुलर थी, इसमें अपलोड स्पीड बंद हो जाती है, इसमें भी पिछले वाले यूनिट में भी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड स्पीड है, अपलोड स्पीड यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन इसी टाइम पर सेम नेटवर्क से मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, दूसरे सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं, सब में मुझे अपलोड स्पीड मिलती है। वहीं पर इसे मैं तुरंत 2.4 GHz पे स्विच कर दूंगा तभी अपलोड स्पीड देने लग जाएगा, लेकिन फिर कभी कभी 2.4 GHz पे भी ये दिक्कतें करना शुरू कर देता है, वहां पर भी अपलोड स्पीड बंद हो जाती है। इसके बाद 2.4 पे जब मैं यूज़ कर रहा हूं उसकी अलग दिक्कत। यहां पर आप देखो मैं अपना YouTube वीडियो चला रहा हूं, वो देखो चल कैसे रही है, पहले 10 घंटे तक वो घूमता है, उसके बाद कोई भी वीडियो चलती है, और ये एक वीडियो के साथ नहीं सारी वीडियोस के साथ है। उसके बाद जब मैं इसे अपना सेटअप कर रहा था पहले दिन, तो मैं इसे भैया 5 GHz पे रख के चला गया, स्पीड बहुत अच्छी खासी आ रही थी उस टाइम, डाउनलोड अपलोड दोनों, तो मैंने कहा चलो तुरंत हो जाएगा। आप देख सकते हो टाइम 9:46 को मैं इसे 14 ऐप्स थे टोटल, उनको इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना था। कितना टाइम लगना चाहिए 14 ऐप्स में, मैक्स टू मैक्स भी पूरा दम लगा के 10 मिनट। यहाँ पर आप देखो मैं 10:10 पे वापस आया, मतलब करीब 25 मिनट बाद, तब भी यहाँ पर 3 से 4 ऐप बचे हुए थे इंस्टॉल होने के लिए। तो अब देखो कितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब यहाँ पर मैंने ये भी सोचा कि कहीं मेरे राउटर में ही तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये भी कि सारे ही फोन सही चल रहे हैं, केवल इसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो दूसरे राउटर से करके आते हैं, मेरे पड़ोस में जियो फाइबर है, वहां पर मैंने जब 5 GHz से इसे कनेक्ट करा तब भी प्रॉब्लम इसमें है। इसके बाद कभी भी आप यूज कर रहे हो फोन को, नेटफ्लिक्स नहीं चलना बंद हो जाता है, अमेजोन प्राइम चलना बंद हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स मुझे काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी हैं। और मेरे वाईफाई का भी इशू शायद ये नहीं है, अगर है तो फिर जियो का भी यही इशू है, जियो में भी नहीं चल रहा था। तो अगर एक चीज अच्छी हुई, पहले वाले यूनिट में मेरे मोबाइल डेटा में भी कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत इसमें नहीं आई। अब हालांकि इसे केवल 2 दिन हुए यूज़ करते हुए, उसे मैंने 7 दिन तक खतरनाक तरीके से यूज़ करा था, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई मोबाइल डेटा में। तो एट दी एंड थैंक यू सो मच पीयूष भाई आपका अपने चैनल पर इन्वाइट करने के लिए। कभी आप भी हमारे चैनल पर दर्शन देना, मैं ज़रूर कोई प्लानिंग करूंगा, आपसे बात करते हैं। तब तक बस ऐसे ही पीयूष भाई को अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। तो जरूर अतुल भाई बहुत जल्दी कोलैब करते हैं दोनों भाई, कुछ बड़ा करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। खैर यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि इनकी यूनिट के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी इशू है, पहले सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू था, और मेरी यूनिट के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरी यूनिट एयरटेल की सिम के साथ अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, लेकिन जियो के साथ काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो अगर आप एक एयरटेल यूज़र हैं तो मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वहीं पर अगर आप एक जियो यूज़र हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो ये बात होगी कनेक्टिविटी की। अब इसके अंदर आपको मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसकी मैं आपको साउंड सुना देता हूं पहले।
तो यहाँ पर भाई इसकी साउंड में डिसेंट बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो तो ठीक है, लेकिन लाउडनेस की मुझे कमी लगी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो कमी लगी है वो है 3.5 mm जैक की। लाइक डे टू डे लाइफ में यूज करने में भाई मजा नहीं आता विदाउट 3.5 mm जैक। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे टाइप सी टू 3.5 mm जैक एडेप्टर किसी दूसरी कंपनी का चल जाएगा, तो नहीं, यहाँ पर सैमसंग का ही आपको बाय करना पड़ेगा। इवन मैंने वन प्लस का भी ट्राई करा, वन प्लस का वर्क नहीं करता। एंड अगर आप टाइप सी वाले ईयरफोन यूज करना चाहते हो ना इसके साथ, तो मैंने ओप्पो के यूज करें टाइप सी वाले, ये काफी अच्छे से वर्क करते, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। खैर स्पॉन्सर नहीं है ओप्पो की तरफ से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब यहाँ पर बात करते हैं सीधा इसके कैमरास की, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक्चुअली यहाँ पर जो कैमरास हैं आउटडोर में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, डिटेल्स अच्छे, डायनेमिक रेंज अच्छी है। अल्ट्रा वाइड की बात करूँ, मेन कैमरे की बात करूँ या फ्रंट की बात करूँ, यहाँ पर कलर्स आपको सही देखने के लिए मिलते हैं, डिटेल्स भी अच्छी देखने के लिए मिलती है, लाइट कंट्रोल अच्छा है इसका। बट यहाँ पर जो मेरे को एक कमी लगी वो है भाई बैक कैमरे में नाइट मोड जब आप यूज करोगे, डिटेल के नाम पर आपको मिलेगा तो ऐसे आप देख सकते हैं ग्रेन्स। यहाँ पर सैमसंग को भाई नाइट मोड अच्छा रखना था कैमरे का बैक का, लेकिन फ्रंट का नाइट मोड काफी अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बैक कैमरे के नाइट मोड के इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक चीज की और जरूरत है वो है भाई वीडियो में स्टेबिलाइजेशन। फ्रंट की स्टेबिलाइजेशन काफी सही है, आप कितना भी भाग लीजिए आपको काफी स्टेबल वीडियो मिलेगी, लेकिन बैक कैमरे की स्टेबिलाइजेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अगर आप नॉर्मल भी वॉक करोगे तो आपको साइड साइड में जिटरिंग मिल जाएगी, एंड अगर आप भागोगे तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। तो अगर आप कैमरा के लिए इस फोन को बाय करना चाहते हो तो सिर्फ फोटोज के मामले में बाय कर सकते हो, वीडियो के मामले में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फोटोज के मामले में वन ऑफ द बेस्ट फोन आता है 25,000 रुपीस में। तो ये बात हो गई कैमरास की। अब यहाँ पर इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, इतना पतला फोन है उसके बाद भी, एंड बैटरी बैकअप भाई बहुत सॉलिड है। अगर आप एक हार्डकोर यूजर भी हो तो भाई आपको एक दिन का बैटरी बैकअप काफी आसानी से मिल जाएगा, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर इसका एक वर्स्ट पार्ट भी है, वो है भाई जो 15 वाट का चार्जर दिया है ना बॉक्स के अंदर, ये फोन को 0 to 100 चार्ज करता है 2 घंटे में भाई। और अगर आप 25 वाट से चार्ज करने की कोशिश करोगे तो 1 hour 45 minutes में चार्ज होगा। तो सैमसंग भाई अभी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है कंपटीशन से। यहां पर बैटरी बैकअप तो अच्छा है लेकिन चार्जिंग स्पीड उतनी ही बेकार मुझे लगी है। तो ऑल ओवर यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप मुझे बताने कि आपको कैसा लगा ये फोन। यहाँ पर ऑल ओवर मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे जो आपको कंफर्टेबल इन हैंड फील दे, आपको डिस्प्ले अच्छी दे, आपको कैमरास अच्छे ऑफर करे, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक एयरटेल यूजर हो तो मैं कहूँगा यहाँ पर इसकी एयरटेल के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, अदर डिवाइस आपको ज्यादा अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर ये जियो के साथ तो बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरा, यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी। और कैमरास में भाई फोटो के मामले में ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा है, लेकिन वीडियो के मामले में भाई स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो क्या आपका एक्सपीरियंस सेम रहा है नहीं रहा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फिट शेड इन विद एचएफएन बॉक्स गाइस बाय।